बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो काइंडली आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी कामयाब बनाने वाला इंसान, कोई भी कोच, कोई भी गुरु आपको कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप खुद इरादा ना कर लें, जब तक आप खुद तहैया ना कर लें कि मैंने कामयाब होना है। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ बदलनी पड़ेगी वो आपकी आदतें हैं। और आज जिन आदतों के बारे में हम आप इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, वो रिसर्च से साबित हुआ है कि दुनिया के तमाम कामयाब इंसानों में ये पांच आदतें मौजूद हैं जो अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आदत नंबर वन है वक्त की पाबंदी। दुनिया के तमाम कामयाब इंसान जिनके ऊपर रिसर्च की गई, वो सारे के सारे रिसर्च के मुताबिक वक्त के पाबंद थे। वक्त की पाबंदी के बगैर कामयाबी नामुमकिन है, कामयाबी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी पड़ेगी वो है वक्त की पाबंदी। आदत नंबर टू, सीखने की ख्वाहिश। अगर आपके अंदर सीखने की ख्वाहिश नहीं है, अगर आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते, कुछ नया करना नहीं चाहते, तो आप कामयाबी को भूल जाएं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सीखने की ख्वाहिश अपने अंदर आज से ही पैदा कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द कामयाब कर देगा। आदत नंबर तीन, रिस्क लेने की आदत। रिसर्च के मुताबिक जिन कामयाब लोगों के ऊपर रिसर्च हुई, वो सारे के सारे रिस्क लेने के आदी हैं। सारे के सारे लोग रिस्क लेते हैं। जो भी कामयाब इंसान है, कभी ना कभी ज़िंदगी में उन्होंने रिस्क लिए हैं। रिस्क लेने से वो घबराते नहीं हैं, सोचते नहीं रहते कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। बस वो रिस्क लेते हैं और कर गुज़रते हैं। अपने फ़ैसले को सही साबित करने के लिए वो बड़े से बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं घबराते। आदत नंबर चार, टीम मेकिंग। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बेहतरीन टीम आपको बनाना सीखनी होगी। बेहतरीन टीम के बगैर आप बहुत बड़े बड़े गोल, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां अचीव नहीं कर सकते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बेहतरीन टीम का इंतखाब करें, और कामयाबी को आपके पास आने से, आपके कदमों में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अफ्रीकी कहावत है, अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो मिलकर चलें। आदत नंबर पाँच है मेहनत की आदत। जो सबसे ज़रूरी आदत है वो मेहनत की आदत है। मेहनत, मुसलसल मेहनत इंसान को ज़रूर कामयाब बनाती है और इज़्ज़त से भी नवाजती है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आदत नंबर पाँच आपको ज़रूर ज़रूर अपनानी पड़ेगी। मेहनत के बगैर दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान कामयाब नहीं हुआ। जस्ट कीप दैट इन माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।